नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं पुंजी का स्थला कैसे बनी अंजना और अंजना कैसे मिलती है केसरी को। जब पुंजी का स्थला पृथ्वी पर आई वो यहाँ वहाँ भटकती रही। फिर उसे एक बंदे तपस्या करते देखा। वो उस पर हंसने लगी और उसे पत्थर से मारने लगी, बस उसे आनंद आने के लिए। वो बंदर कहता है, तुमने मजे के लिए मुझ पर हमला किया तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आपका मुंह एक बंदर की तरह हो जाएगा। पुंजी का स्थला कहती है, मुझे क्षमा करे, कृपया मुझे उस श्राप बताए। आपको भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा और संतों की मदद करनी होगी। ऐसा कहकर वो वहां से गायब हो जाते हैं। फिर पुंजी का स्थला शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करने लगी और साधुन की मदद करने लगी। एक दिन कुछ साधु और कुछ लोग भागते हुए पुंजी का स्थला के पास आते हैं। पुंजी का स्थला कहती है, प्रणाम सभी संतों, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। एक ऋषि कहते हैं कि एक राक्षस सब ग्रामस्थों को नुकसान पहुंचा रहा था, तो एक वानर राज उसके साथ लड़ रहा है। मैं उस दानव को हराने में वानर राज की मदद करूंगी। उस राक्षस का नाम शंभासदन था और वानर राज केसरी उसके साथ युद्ध कर रहे थे। तभी पुंजी का स्थला वहाँ आती है और के वानर राज केसरी शंभासदन को गद्दा मारता है और शंभासदन का वध हो जाता है और वानर राज केसरी और पुंजी का स्थला का विवाह हो जाता है। If you enjoyed the story, please like, share and subscribe our channel and press the bell icon to never miss the videos from Discovery Entertainers. And don't forget to watch the Maha episode of Hanuman Jayanti.